नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आरवी ब्लॉग ऑफिशियल पे। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आप ऐसा समझें कि हमारे जो भी वीडियो आते हैं उस वीडियो में 15 से 20% जो कमेंट में सवाल पूछे गए हैं वो ये है कि क्या हम इंडियंस इंडिया में सेमी ऑटो M1 ग्रैंड 30 राइफल ऑप्ट कर सकते हैं, क्या उसका लाइसेंस हमें मिल सकता है। तो आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है, तो चलिए मैं अपने वीडियो को चालू करता हूँ। देखिए, हमारा जो आर्म्स एक्ट 2016 है उसमें बहुत सारे अमेंड किए गए थे, और जो 2016 आर्म्स एक्ट है उसमें आप देखेंगे, उसको जब आप थ्रू आउट पढ़ेंगे तो आपको ये जवाब मिल जाएगा कि क्या हम लोग इंडिया में सेमी ऑटो राइफल में कौन सा राइफल ले सकते हैं और कौन सा राइफल नहीं ले सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें कुछ यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये क्लियरली बोला है अपने वीडियो में कि हम इंडिया में हैं और इंडिया में हम लोग M1 ग्रैंड 30 राइफल सेमी ऑटो वो ले सकते हैं। तो ये सरासर गलत है। हम इंडियंस को सेमी ऑटो, ये रिस्ट्रिक्टेड आर्म्स की कैटेगरी में आता है सेमी ऑटो 30 राइफल। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, क्योंकि जो आर्म्स एक्ट 2016 में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हम लोग कौन से राइफल को ले सकते हैं सेमी ऑटो में, किस बोर्ड के राइफल को ले सकते हैं और किस बोर्ड के राइफल को नहीं ले सकते। देखिए, आपके स्क्रीन पे आर्म्स एक्ट 2016 का एक वीडियो चल रहा होगा, इस PDF चल रहा होगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये पेज नंबर जब आप नीचे स्क्रॉल करके 86 पे आएंगे, एक सेकंड आने दीजिए इसको, देखिए पेज नंबर 86 पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा प्रोविटेड आर्म्स में। तो प्रोविटेड आर्म्स में रिस्ट्रिक्टेड आर्म्स जो है, जो आम सिविलियन को नहीं लिया ले सकते, उसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है सेंटर फायर राइफल ऑफ एनी बैरल लेंथ सेमी ऑटोमेटिक। ये हम लोग सिविलियन को ये सेंटर फायर राइफल ऑफ एनी बैरल लेंथ सेमी ऑटोमेटिक, मतलब इसमें ये 30 आ गया, 30 M1 ग्रैंड जो है ये हम लोग नहीं ले सकते हैं। और सेमी ऑटो में कौन सा ले सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे परमिसेबल आर्म्स में 0.22 रीमलेस राइफल इंक्लूडिंग सेमी ऑटोमेटिक, ये हम लोग ले सकते हैं। लेकिन जो सेमी ऑटो में 0.30 M1 ग्रैंड है ये हम लोग नहीं ले सकते हैं। और जो 30 इंडिया में आपको दिखता होगा वो उसके सेमी ऑटो को पंचर्ड किया हुआ रहता है, तब हम लोग ले सकते हैं। हमारा MP बोर्ड राइफल का अगर लाइसेंस है तो हम लोग M1 ग्रैंड 30 राइफल ले सकते हैं, लेकिन उसके सेमी ऑटो को पंचर्ड करके। तो जितने भी राइफल इंडिया में हैं उसके सेमी ऑटो फंक्शन को पंचर्ड किया हुआ है, तब वो आम सिविलियन, आम इंडियंस उसको ले सकते हैं। एक वीडियो भी मैं आपके स्क्रीन पर चला रहा हूँ, आप इस देखें, ये राइफल, एक सेकेंड, देखिए ये एक वीडियो आपका M1 ग्रैंड 30 का चल रहा होगा, ये किसी दूसरे यूट्यूबर का है, मैंने वहाँ से सिर्फ रेफरेंस के लिए आप लोग को दिखाने के लिए लाया हूँ। ये वीडियो M1 ग्रैंड 30 का है और आप इसमें देखेंगे, इसमें उन्होंने सारा चीज़ बताया। ये सेमी ऑटो का फंक्शनैलिटी को पंचर्ट करने के बाद ये बोल्ट एक्शन राइफल हो जाता है, ये इसका चैम्बर रिलीज करने का है, लॉक्ड है, ये आप देखें ये इसका बोल्ट है। जब ये पंचर्ड नहीं होता है तो ये सेमी ऑटो है, लेकिन इसको जब पंचर्ड कर दिया जाता है तो ये बोल्ट एक्शन राइफल हो जाता है। ये इसका राउंड है 30 का, ये आप इसको और आगे देखेंगे, ये इन्होंने ये काफी अच्छे से इसमें बताया है कि कैसे राउंड इसमें फीड होते हैं और कैसे उसका बोल्ट हम लोग फायर करते हैं इसमें, ये काफी अच्छे से इन्होंने बताया है इस पर। देखिए ये इसका बोल्ट अभी वो स्लाइड कर रहे हैं, मैं थोड़ा वीडियो आगे करके आपको दिखाता हूँ, इसका जो पंचर्ट किया होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो है ये पंचर्ट किया हुआ है, यही इसके ऑटोमेटिक वर्जन को पंचर्ट किया जाता है, जिसके वजह से ये लीगल हो जाता है इंडिया में और ये सेमी ऑटो ना होके ये अब बोल्ट एक्शन राइफल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद हम सिविलियन इस राइफल को रख सकते हैं। बहुत अच्छी राइफल होती है, बहुत अल्टीमेट राइफल होता है, तो इसके बाद हम लोग रख सकते हैं। और जो अगर ये बताते हैं कि हम लोग सेमी ऑटो
M1 ग्रैंड 13 इंडिया में ले सकते हैं तो वो गलत बताता है। हम लोग सेमी ऑटो M1 ग्रैंड 30 विदाउट पंचर्ड हम लोग इंडिया में नहीं ले सकते हैं। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।